ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का नाम है ओवरहेड कॉस्टिंग एंड अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए, बताओ कॉस्टिंग में सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है, तो आप ऐसे हम पढ़ा रहे हैं तो यही लगता मतलब सीधे ओवरहेड। अरे कुछ और भी लग सकता है, ऐसा क्या जरूरी ओवरहेड? ओवरहेड टफ है क्या? सुनो, ये नाइटमेयर की तरह काम करता है। किस तरह? नाइटमेयर, जैसे बुरे बुरे सपने आते हैं ना, ये समझ लो दिस इज जस्ट लाइक दैट। ये बुरे सपने की तरह है जो आता है और समझ में नहीं आता है, हैं? इसीलिए इसका नाम है ओवर द हेड। लेकिन अगर आज का ये लेक्चर तुम लोगों ने ईमानदारी से सुन लिया, मैंने क्या बोला, आज का ये लेक्चर अगर तुम लोगों ने ईमानदारी से सुन लिया तो तुम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को पटखनी मार करके भगाओगे, ये लिखित में ले लो। तो केवल आज का लेक्चर पढ़ने के बाद कल से भले लेकिन आज का लेक्चर ईमानदारी से सुन लो। चलें, इतना बैकग्राउंड इसलिए बांधना पड़ता है ताकि तुम लोग को ये समझ में आए कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी बच्चे से पूछो विच वन चैप्टर इज द टफेस्ट वन इन कॉस्टिंग, तो वो नाम लेता है ओवरहेड, लेबर, ओवरहेड, स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट, बस ये पांच चैप्टर का नाम लेगा। और कुछ लोग तो जो पढ़ते ज्यादा है उनको इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। कॉस्टिंग की एक खास बात यह है कि है बहुत सिंपल। एक टफ सिचुएशन यह है कि हम लोग कंसेप्ट नहीं जानना चाहते। बिना कंसेप्ट जाने आप खूब कोशिश कर लो, क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाते चले जाओ, इट वोंट गिव यू अ फ्रूटफुल रिजल्ट जब तक कि आप उसके बेस में नहीं जाते हो, कंसेप्ट को नहीं समझते हो। दिस इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ योर कंसेप्ट। जितना कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, टैक्स हो, लॉ हो, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, उतने ज्यादा आप टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन फंसते हैं इसका मतलब एक ही है कि आपने अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को आधा अधूरा ले रखा है। क्वेश्चन फंसते हैं इसका मतलब आपने अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को आधा अधूरा ले रखा है। मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन फंस रहा है इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं। अब समझ में आई बात? तो हम लोग को कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग। हम लोगों ने शुरू से ही एक चीज देखी है, हम लोग जो कॉस्ट को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है इसमें डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स होते हैं। सर, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, जब भी हम बात करेंगे ओवरहेड अकाउंटिंग की, ओवरहेड कॉस्टिंग की, ओवरहेड एक्सपेंसेस की, तो इसका मतलब केवल और केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हो रही है, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स की बात हो रही है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हो, कोई भी, सारे के सारे इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि इस पेन पर मटेरियल लगा है 10 रुपए का, कितने का? 10 रुपीज। तो एक पेन पर कितने का लगा? दो पर, तीन पर, ट्रेसेबल है, आइडेंटिफिएबल है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? हाँ सर, तो ये 10 रुपए पर यूनिट पेन पर चला गया। मैंने कहा इस पेन को बनाने वाले ने कहा हमें 6 रुपए पर पेन चाहिए, इसको बनाने वाले ने कहा हमें 6 रुपए पर पेन चाहिए, तो बताओ एक पेन पर कितना लेबर कॉस्ट लगा?
सिक्स 2 पर 12, 3 पर 18, 4 पर 24, इन द सेम वे। क्या वो बता सकते हैं इस पेन पर कितने का लेबर लगा? हाँ। क्या ट्रेसेबल है? हाँ। आइडेंटिफिएबल है? हाँ। एट्रीब्यूटेबल है? हाँ। तो दिस इज नोन एज डायरेक्ट लेबर। इन द सेम वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मकान मालिक ने कहा जितना यूनिट बनाओगे ना हर पेन का 1 रुपया हमको देना। अब रेंट लेकर हम उसको हर एक पेन की रॉयल्टी दे रहे हैं। एक पेन बनाया, एक 2 पेन बनाई, 2 रुपए, तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ में आई बात? अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जब मशीन चलती है ना तो उसको रिफिलिंग की जरूरत होती है, ऑयलिंग की जरूरत होती है, ग्रीसिंग की जरूरत होती है, मेंटेनेंस या सर्विसिंग की जरूरत होती है, ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है कि नहीं? बिना उस मशीन में ग्रीस और ऑयल लगाए काम हो सकता है क्या? हमने 1 किलो ग्रीस लगाया 100 रुपए का, कितने का? और उससे मेरी 1 लाख यूनिट्स बन गई, कितनी? अगली बार फिर 100 रुपए का ग्रीस लगाया, 2 लाख यूनिट्स बन गई। अगली बार फिर 100 रुपए का ग्रीस लगाया, 2,000 यूनिट्स बन गई। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इजिली आइडेंटिफिएबल है क्या इस पेन पर कितने की ग्रीस लगाई? और क्या छूने पर पता चल रहा है कि हाँ ग्रीस है? नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा। बात समझ में आई? तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेसेबल नहीं है, आइडेंटिफिएबल नहीं है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है। अब 1 लाख यूनिट पर 100 रुपए की ग्रीस बताओ एक पेन पर कितनी? 0.0001। अरे अब इतना काम करने बैठे हैं क्या? कितना नॉमिनल अमाउंट है? अगर एट्रीब्यूटेबल है भी बहुत नॉमिनल अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है। जहां ये पेन बन रही थी वहां इलेक्ट्रिसिटी गोडाउन में लगाई हुई थी, बिजली होगी। जहां ये पेन रखी हुई थी बिजली जलाई गई 5 बार। अब बताओ कितने रुपए की बिजली इसने खाई? जो बच्चा एसी के सबसे पीछे साहब बगल में बैठा है उस पर हम ज्यादा पैसा लेंगे? नहीं, नहीं, तुम्हारी फीस ज्यादा रहेगी, तुम एसी की हवा ज्यादा खाते हो। और जो उस लाइट के नीचे बैठा है उसको? नहीं, तुम्हारे पर बिल ज्यादा आता है। ऐसे करेंगे क्या? नहीं होता ऐसे। क्या बता सकते हो इस पर कितने रुपए की इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई जलाने बुझाने पर? नहीं ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब इस पेन को बनाया जा रहा था वहां सुपरवाइजर काम कर रहा था, सारे लेबर को ऐसे घूर करके देख रहा था, है कि नहीं? सब लोग अपना काम करके घूर रहे हैं। ठीक, अब इसको ऐसे घूरा तब तक इसने 2 यूनिट बना दी। अब इसको ज्यादा घूरा तो इसने 2 यूनिट ज्यादा बना ली। अब घूरने का पैसा लगाओगे क्या इस पर एक्स्ट्रा? नहीं पता चल सकता, नहीं बता सकते। बता सकते हैं क्या? अरे बोलो, बता सकते हैं क्या? नहीं, आइडेंटिफिएबल नहीं है। सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी कॉस्ट, मैनेजर जो अपने कमरे में बैठा है और 500 लेबर काम कर रहे हैं, मैनेजर को 40,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। बताओ इस पेन पर उस मैनेजर ने कितने रुपए का काम किया? सर पता ही नहीं, वो तो गया ही नहीं था देखने, वो तो अपने रूम में बैठा हुआ था। अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग का काम कर रहा है वो भी इस पेन के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन उस अकाउंटेंट की इस पर कितनी अकाउंटिंग चार्ज लगी बता सकते हो क्या? अनआइडेंटिफिएबल है। सफाई करने वाला आदमी झाड़ू पोछा लगा रहा है, बता सकते हो उसने इस पर कितने रुपए का पोछा लगाया? अनआइडेंटिफिएबल है। मैनेजर चाय पी रहा है, बताओ इस पेन पर कितने रुपए की चाय पी? अरे अनआइडेंटिफिएबल है। एक्सपेंस तो है ना, बहुत नॉमिनल है, एलोकेट करना कितना मुश्किल है। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? हाँ, मुंह से गलत वर्ड निकल गया, कौन सा? एलोकेट करना कितना मुश्किल है। इनको एलोकेट करना कितना आसान था, इनको एलोकेट करना कितना मुश्किल है, सब मिला करके 2 रुपए भी नहीं आएंगे। मैंने क्या कहा? सब मिला करके 2 रुपए नहीं आएंगे। और सब मिला करके कौन कौन से, जरा देखा जाए, देखा जाए। चलो, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीफोन किया मैंने अभी एक। बताओ इस पेन पर कितने रुपए का टेलीफोन का खर्च? अरे भाई कैसे बता दोगे भाई? मार्केट में एडवर्टीजमेंट की, वो 50,000 का बोर्ड था, एक आदमी ऐसे देखा पेन बड़ी अच्छी है, लेने चला आया।
करे भाई साहब ऊपर बोर्ड देखा आपका पेन ले आया, मैंने कहा वो पैसा तुम्हीं से वसूली। अरे भैया कैसे पॉसिबल है एलोकेट करना, है कि नहीं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, हाँ या ना, टूर्स एंड ट्रेवल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, दुनिया भर के खर्चे जोड़ो, ये सारे खर्चे किसके लिए हो रहे हैं? इसके लिए हो रहे हैं, दुनिया भर के। लेकिन पता नहीं, टी एंड रिफ्रेशमेंट देखो ना, जोड़ते जाओ दिमाग में आता जाएगा, लिखते चले जाओगे। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक्सपेंसेस, हाँ या ना, अब पता नहीं कौन कौन से आते जाएंगे, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, फलाना दिमाग आता जाएगा, इतने खर्चे। और लेकिन कोई खर्चा डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा, तो क्या इन खर्चों को लात मार कर भगा दे, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम तुम खर्चों को नहीं काउंट करेंगे इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते समय हम केवल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें शामिल होंगे, ये कैसे ऐसे करने से ना हो जाएगा? ऐसे करने से नहीं होगा। अरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस नहीं है क्या? क्या वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए? कैसे बना लोगे? वही तो प्रॉब्लम है, कैसे? आखिर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 10-6, एक तो समझ में आ रहा था, पढ़ाई कर चुके, प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, इतने ज्यादा खर्चे हैं, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इतने ज्यादा लिस्ट है पूरी, 2-4 पेज की लिस्ट बन जाएगी आराम से। और होंगे छोटे 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 खर्चे, और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किस पेन पर कितना कितना, क्या ना बांटे इस पर, लगाएं या ना लगाएं इनडायरेक्ट कॉस्ट, लगाएं या ना लगाएं, तो एक पेन पर कितने रुपए की इनडायरेक्ट कॉस्ट है कैसे पता करोगे? वही सीखना है तुमको इस चैप्टर में, क्या करना है, यही सीखना है। मान लो 2 रुपए है, 1 रुपए है, टोटल मिलाकर 1 रुपए आया कैसे, वही सीखने जा रहे हो तुम लोग किस चैप्टर में, ओवरहेड कॉस्टिंग में। अब समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, पक्की बात है। मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा हमको ये 2,000 पेन दे दो। क्या बोला? 2,000 पेन दे दो। मैंने कहा देखो इसमें मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, ओवरहेड इतना लगेगा, और हम 1 रुपया प्रॉफिट जोड़ देते हैं, तो तुम 18 रुपये दे देना। तो हमको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? नहीं हुआ, हमने इनडायरेक्ट का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं 1 रुपये। नहीं समझे? क्योंकि हम तो कल डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़कर उसको रेट फाइनल कर दिए, प्रॉफिट जोड़कर हमने सोचा 1 रुपये कमा रहे हैं। अरे बेवकूफ आदमी, कहाँ 1 रुपये कमा रहे हो, तुम्हारा तो 1 रुपये इनडायरेक्ट ओवरहेड है, जो दिख नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा तुमको, चाय पी रहे हो वो भी तो इसमें जोड़ो, रेंट दे रहे हो वो भी तो इसमें जोड़ो, एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो वो भी तो जोड़ो, इंटरेस्ट दे रहे हो एडवर्टीजमेंट, दुनिया भर के खर्चे भी तो जोड़ो, कैसे जोड़ लें, कहाँ से सीखेंगे? ओवरहेड कॉस्टिंग से करें, यानी अगर हमने इन खर्चों को इस पर एलोकेट नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एट्रीब्यूट नहीं किया, देन वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वी आर मीन्स हेयर वी आर अंडर द प्रोसेस टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्टिंग में हम क्या सीखना चाहते हैं, कॉस्ट कैसे निकालें प्रोडक्ट की, कॉस्ट कैसे निकालें सर्विसेज की। कॉस्ट निकालोगे तभी तो डिसीजन ले पाओगे, अभी तो हम कॉस्ट ही नहीं निकाल पाए, डिसीजन तो अभी बहुत दूर की बात है, मेरी बात समझे? तो अभी हम लोग कॉस्ट का ये सारा फैक्टर देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा वाला, ये वाला। अभी हमको ये देखना बाकी है कौन से चैप्टर में, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट यानी कि हम लोग ओवरहेड कॉस्टिंग में यही सीखने जा रहे हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अब। मैंने कहा दुनिया भर के खर्चे हैं आपके पास, मैंने क्या बोला, दुनिया भर के खर्चे हैं, उन खर्चों को हमें बांटना है, बांटे जिसको हम लोग नाम देते हैं अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ ओवरहेड। अगर ये टॉपिक समझ लिया, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ ओवरहेड, बस ये टॉपिक, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ईमानदारी से समझने की जरूरत है, टॉपिक इज ओवर, उसके बाद तो तुम लोग के लिए चैप्टर बच्चों का खेल हो जाएगा।
अच्छे अच्छे बच्चे जो एग्जाम पास कर चुके होते हैं, पास कर चुके होते हैं, उनसे पूछो, तो भी टेंशन होती है उनकी। सुनो, सबसे पहली बात, हम ऐसे खर्चों की पूरी एक लिस्ट तैयार करेंगे। क्या करेंगे? अभी लिस्ट बनाई ना, लिस्ट डाउन ऑल द ओवरहेड्स। हाँ यार, पहले तो लिस्ट बनाए, दूसरा एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। हमें हर एक आइटम, जितनी भी लिस्ट बनाए, उनकी कॉस्ट निकालनी है। ये काम हो गया, हमने लिख दिया रेंट, तो उसकी कितना खर्चा लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा लिख लो। अरे बोलो ना, पक्की बात है? इस तरह से पूरी एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। मेरे पास अब लिस्ट भी है और इनकी टोटल कॉस्ट भी है। हाँ या ना, हमारे पास अब लिस्ट भी है और टोटल कॉस्ट भी। हमें मालूम है जो हमें काम करना है इस लिस्ट और इस रुपए पर काम करना है। एक चीज आंख में आ गई। हम इस लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कितने पार्ट में? दो। हमारा बिजनेस है, उसमें डिपार्टमेंट ए भी है, डिपार्टमेंट बी भी है, डिपार्टमेंट सी भी है, टोटल मिलाकर ये मैनेजर है, वो तीनों डिपार्टमेंट को देख रहा है। बिजली तीनों डिपार्टमेंट में जा रही है, हम तुमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, दूसरे टीचर दूसरे क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग का काम कहीं और हो रहा है, लेकिन बिजली इलेक्ट्रिसिटी तीनों में खर्च हो रही है। अभी तुम लोग चले जाओगे, दूसरा बैच आएगा, उस पर भी बिजली जाएगी। किसी में ज्यादा बच्चे, किसी में कम बच्चे, उसमें कभी ज्यादा बच्चे कभी, हम कंफ्यूज हैं कैसे करें, खर्चों को कैसे बांटें। क्या ये पता चल सकता है तुम्हारे ऊपर इस इंस्टीट्यूट में कितना खर्च होता है? पानी पानी पिया ना आज? 2 रुपया दे देना, मेरी बात समझना, कल नहीं पिया था ना, मत देना। अरे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है क्या? कैसे बांटे? सबसे पहले हम इन सारे खर्चों की लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ेंगे। मेरी बात ढंग से समझना, और जो वर्ड मैं यूज करने जा रहा हूँ बहुत इत्मीनान से, क्योंकि ये वर्ड तुम्हें को बार बार परेशान करेगा। आज नहीं, पूरे जब तक कंप्लीट नहीं कर लोगे, उसके बाद भी सीए बनने के बाद भी तुमको ये वर्ड्स परेशान करते रहेंगे अगर नहीं समझे तो। जितने भी लिस्ट बनी, मैंने कहा दो पार्ट में तोड़ दूं, वो खर्चे जिनको हम आसानी से डिपार्टमेंट के ऊपर एलोकेट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के ऊपर, डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के ऊपर इजीली एलोकेट कर सकते हैं, उनको अलग कर लो। जैसे रेंट है, टोटल खर्चा आया मेरा 50,000 महीने का। रेंट को कैसे बांटे तीनों डिपार्टमेंट में? कैसे बांटे? बांट लोगे? हाँ, एरिया के हिसाब से। 1,000 स्क्वायर फिट है, 50,000 लगता है, 500 रुपये पर स्क्वायर फिट है कि नहीं? बोलो टोटल कितना स्क्वायर फिट है? 1,000, और टोटल किराया कितना है? 50 रुपये हो गया ना, पर स्क्वायर फिट कितना हुआ? 50 रुपये। हाँ या ना? अब ए डिपार्टमेंट जो है उसको वो यूज होता है 200 स्क्वायर फिट में, ये चलता है 500 स्क्वायर फिट में, और ये चलता है 300 स्क्वायर फिट में। तो हमें मालूम है एक स्क्वायर फिट का अगर 50 रुपये है तो इसका 10,000 रुपये रेंट जा रहा होगा, नहीं इसका 25,000 जा रहा होगा, और इसका 15,000 जा रहा होगा। बट तो गया रेंट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में नहीं बट गया, अरे आसानी से बट गया। ये तो नहीं, हम ऐसे खर्चों को किनारे करेंगे जिसको चाय का नहीं बांट सकते, वही दिक्कत है, लेकिन जिनको बांट सकते हो पहले उनको अलग करो।
इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, यानी बाइफर्केट करेंगे सबसे पहले जितना भी लिस्ट आएगा उसमें से अब एलोकेशन का काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे? ओवर डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट्स, हाँ या ना, और सर्विसेज जो भी दिया हो एलोकेशन कर देंगे इन खर्चों का। क्या कर देंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? पहले तो लिस्ट बना ली, उसके बाद उस लिस्ट को दो पार्ट में तोड़ा। किसको आसानी से बांट सकते हैं? कुछ और भी है क्या ऐसा बांटने लायक? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बांट सकते हो क्या? इस रूम में कितने की जली, उस रूम में कितने की, बांट सकती हूँ क्या? पूछो कैसे? अरे ऐसे कैसे? देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी मान लो आ गई 30,000, मैंने बाहर एक मीटर लगाया हुआ है, टोटल मीटर उठा 2,000, कितना? यानी 15 रुपए पर यूनिट बिजली गई, हर एक यूनिट पर 15 रुपए गई, हाँ या ना? हाँ या ना? नींद मत करना, हाँ या ना? 15 रुपए हर एक यूनिट पर, मैंने सब में सब मीटर लगवा दिए, नहीं लगवा सकते हैं? पता चल जाएगा इस डिपार्टमेंट ने हमारा 2,000 यूनिट में 1,000 यूनिट ये खा गया, 600 यूनिट ये खा गया, 400 यूनिट ये खा गया। तो बांट दो ना, 1,000 यूनिट पर 15,000 इधर चला जाएगा, 9,000 इधर चला जाएगा, 6,000 इधर चला गया, बट गया। अरे इलेक्ट्रिसिटी भी बट गई नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड के हिसाब से। अरे बोलते क्यों नहीं, ये बिजली भी बांट सकते हो, किराया भी बांट सकते हो, इजीली बटाया नहीं। तो सबसे पहले हम लिस्ट में से उन चीजों को अलग करेंगे जिसको हम इजीली एलोकेट कर सकते हैं, कोई बेस लेकर। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? कोई बेस लेकर जिसको बांट सकते हैं उनको बांट, डिपार्टमेंट्स के ऊपर एलोकेट कर दो। क्या कर दो? एलोकेट। कैसे कर सकते हैं जरा देखो, कौन कौन से खर्चे और बेस क्या लेंगे। देखो रेंट किसके बेसिस पर, अभी बताया ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर बिल्डिंग का है तो किस बेसिस पर, हीटिंग एंड लाइटिंग किसके बेसिस पर, एयर कंडीशनर का खर्चा किस बेसिस पर, इनडायरेक्ट मटेरियल किस बेसिस पर बांट सकते हो, डेप्रिसिएशन एसेट्स पर लगता है तो एसेट की वैल्यू पर बांट सकते हो, इंश्योरेंस एसेट की वैल्यू पर बांट सकते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर एसेट का है तो एसेट की वैल्यू पर बांट सकते हो, सुपरविजन जितने वर्कर काम करते हो उसके बेसिस पर बांट सकते हो कि डिपार्टमेंट ए में इतने वर्कर, डिपार्टमेंट बी में इतने वर्कर, डिपार्टमेंट सी में इतने वर्कर। मान लो सुपरविजन की कॉस्ट आई थी 10,000, कितनी, और इसमें काम करते हैं हमारे 20 लेबर, इसमें काम करते हैं 5 और इसमें करते हैं 5 लेबर, नहीं 15 लेबर, टोटल कितने लेबर हो गए? 40, हाँ या ना? तो बताओ डिवाइडेड बाई 40 करके बताओ, 250 रुपये पर लेबर। अरे बोलो ना कितना आ जाएगा, 5,000, 1,250, कितना आ जाएगा, 3,750, हो गया, बट गया सुपरविजन कॉस्ट नंबर ऑफ लेबर के बेसिस पर। सुपरवाइजर किस लिए काम करता है? लेबर के ऊपर ध्यान रखने का, तो नंबर ऑफ लेबर पर बांट दो ना, बेस लेना पड़ेगा कोई ना कोई। पहले तो खर्चे को डिपार्टमेंट्स में बांटो, पहले तो खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटो, डिपार्टमेंट ए भी काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी भी काम कर रहा है, और डिपार्टमेंट सी भी काम कर रहा है। अभी मैंने डिपार्टमेंट को और बांटना है, वो आगे देखेंगे कैसे। तीन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तीनों में बांट दिया ना, जो खर्चा आया एक बेस लिया बांट दिया, एक बेस लिया बांट दिया, एक बेस लिया बांट दिया, जिनको बांट सकते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसमें बेस दिया हुआ देखो, सुपरवाइजर हो गए नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, कैंटीन एक्सपेंसेस, कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से, कैंटीन में खाते पीते हैं वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से बांट दो। एम्प्लॉय वेलफेयर नंबर ऑफ, पर्सनल ओवरहेड नंबर ऑफ वर्कर, इनडायरेक्ट लेबर, ओ ओ ओ ओ ओ इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के हिसाब से बांटो। इनडायरेक्ट लेबर किसके हिसाब से बांटोगे? डायरेक्ट लेबर के हिसाब से बांटोगे। ये एक बेस दिया हुआ है तुमको, केवल एक बार देख लेना कौन कौन सा बेस है, ठीक है ना? इस बेसिस पर जितने खर्चों को बांट सकते हो बांट लो, और जो नहीं बांट पाएंगे वो लिस्ट अलग नजर आएगी। अब तुम्हारे पास बच गई ना वो लिस्ट,
लिस्ट बच गई ना, बच गए ना वो खर्चे जिनको तुम बांट नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट नहीं हो पा रहे उनको हम अपोर्शन करते हैं। क्या करते हैं? अपोर्शनमेंट, जिनको हम इजीली एलोकेट नहीं कर सकते, जिनका बेस नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है मेरे पास? जिसका बेस नहीं है मेरे पास उनको क्या करेंगे? अपोर्शनमेंट करेंगे। सोच लो मैंने कौन सा वर्ड यूज किया। पहला वर्ड यूज मैंने किया था एलोकेशन, जिसका मेरे पास बेस था। जिसका मेरे पास बेस नहीं है उसको हम क्या करेंगे? अपॉर्शनमेंट। जिसका एग्जैक्ट बेस नहीं ले सकते। अपॉर्शनमेंट का भी मतलब बांटना होता है, एलोकेशन मतलब भी बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भी बांटना होता है, लेकिन टेक्निकली टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। एलोकेशन जब बोलेंगे तो इसका मतलब देयर इज सम बेस ऑन विच वी कैन रिलाय ऑन एंड यस वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एलोकेशन, कि जो हम एलोकेट कर रहे हैं वो उसके उसी का खर्चा है। अगर बिजली मैंने लिखी डिपार्टमेंट ए की, उसके सब मीटर के हिसाब से तो ये डिपार्टमेंट ए की ही बिजली है जो उसने यूज की। हाँ या ना? कोई बेस लेकर मैंने बांटा। अब मान लो हमने सब मीटर लगाया ही नहीं, चलो 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 मैंने केवल मेन मीटर लगाया, अब बांटो आसानी से बंट जाएगा। सब मीटर लगातार बंट गया, सब मीटर नहीं लगा हो तो बांटना तो पड़ेगा, ये तो तय है, लेकिन बेस नहीं मिल रहा। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि इस पे तो बांटना है ही, लेकिन बेस नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने सब मीटर नहीं लगा रखा। अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं खर्चे को? इसी को कहते हैं अपॉर्शनमेंट। दोनों में फर्क समझ में आया? अगर सब मीटर लगा होता तो एलोकेट हो जाता, सब मीटर नहीं लगा है तो अब हमें कोई बेस लेकर के किसी न किसी तरह से उसको बांटना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट। नॉर्मली हम नंबर ऑफ आर्स के बेसिस पर चलते हैं। किसके बेसिस पर? कि डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे काम हुए, डिपार्टमेंट बी में कितने घंटे काम हुए, डिपार्टमेंट सी में कितने घंटे काम हुए। डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे काम हुए, बी में कितने घंटे काम हुए, उस बेसिस पर बांट दो इस खर्चे। इतने इतने आवर्स हुए बांट दो। अगर हमारे डिपार्टमेंट में लेबर भी काम करता है और मशीन भी काम करती है तो दो आवर्स सामने आ गए, लेबर आवर्स अलग आ गए, मशीन आवर्स अलग आ गए। अरे अब किसको बेच ले? नहीं समझे? अभी मैंने क्या कहा, कोई तो बेस लेना पड़ेगा, तो बेस क्या ले लिया? आवर्स। क्या ले लिया? घंटों के हिसाब से। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, इसने काम किया 8,000 घंटे, इसने काम किया 12,000 घंटे, और ये चला है 5,000। हाँ ठीक है, 5,000 घंटे ये टोटल हमारा रन हुआ है। ठीक, ये हो सकता है लेबर आवर्स, और हमारा टोटल खर्चा जानते हो कितना है? 20,000 है। इसी को बांटना है, जितने भी वो खर्चे जो बट नहीं पाए थे वो कितने रुपए के बचे? 20,000 रुपए के। जितने खर्चे एलोकेट नहीं हो पाए थे वो कितने के बचे? 20,000 रुपए के। बांटना तो है, बेस ले लिया मैंने, इसने 8,000 घंटा काम किया, चलो चलो टोटल मिलाकर कितने घंटे काम हुए? 25,000 घंटे। बोलो ना, हाँ या ना? तो 0.8 रुपीज पर आवर खर्च हुआ है। 1 घंटे का कितना लग गया? 80 पैसा। 25,000 घंटे का कितना लग गया? 20,000 रुपए। हाँ या ना? छोड़ दो कैलकुलेटर, गलत नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये कि इसका 80 पैसे के हिसाब से 6,400 रुपये इधर चला जाएगा, 80 पैसे के हिसाब से 9,600 रुपये इधर चला जाएगा, और 5,000 पर 4,000 इधर चला जाएगा। टोटल कर लो तो 20,000 बट गया। आज के बेसिस पर जो खर्चे नहीं बट पा रहे थे कोई बेस लेकर बांटना था, मैंने कौन सा बेस ले लिया? आज। अब ये लेबर आज थे, हो सकता है मेरी फैक्ट्री में लेबर आज भी हो और
हो सकता है मेरी फैक्ट्री में लेबर आवर्स भी हो और मशीन आवर्स भी हो। लेबर आवर्स यूज हुए थे हमारी फैक्ट्री में 8,000 घंटे, 12,000 घंटे और 5,000 घंटे, और मशीन आवर्स हमारे में यूज हुए हो 3,000 घंटे, 2,500 घंटे और 1,000 घंटे। हो सकता है मशीन इतना इतना देर चली हो, तो किसको बेस ले, लेबर को या मशीन को? डोमिनेंस किसका है, पावर किसका है, लेबर का ज्यादा है या मशीन का ज्यादा है? तो लेबर के बेसिस पर बांट दो। एक्चुअल तो नहीं निकाल सकते, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी कॉस्टिंग एक तरह से एस्टिमेशन के बेसिस पर है। नॉर्मली कॉस्टिंग किस बेसिस पर होती है? एस्टिमेशन। उस एस्टिमेशन को कितना एक्यूरेटली आप निकाल पा रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, कितनी सटीक तरीके से निकाल पा रहे हो। ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं ना, जो कुछ भी पढ़ रहे हो ओवरहेड में, सब गलत पढ़ रहे हैं। जितना भी हम लोग माथा पच्ची करेंगे ना आने वाले 5-6 क्लासेस में, 7वां क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उस समय मैं बताऊंगा सब पढ़ा पढ़ाया सब बर्बाद है। प्रूफ भी करके दिखा दूंगा और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, लेकिन जानना जरूरी है, बिना इसको जाने आप एबीसी नहीं पढ़ सकते। तो सही पढ़ने के लिए कुछ गलत सीखो। मैंने क्या कहा, एक्यूरेट आप नहीं निकाल रहे हैं, यहां पर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, क्या करता है एबीसी, एक्टिविटी के बेसिस पर बांटता है। तो फिलहाल उसको मारते हैं गोली, अभी बांटना तो पड़ेगा, इतना तो दिमाग में बात गई ना कि जो 20,000 है उसको बांटो, बट नहीं पाया है, बाकी तो एलोकेट कर दिया बेस लेकर के, 20,000 का क्या करें, कोई बेस लेकर बांटना पड़ेगा, कोई बेस, मेरे मुंह से देखो ना क्या वर्ड निकल रहा है, कोई बेस लेकर के। तो बेस क्या ले, मैंने मशीन आर्स ले लिया, मैंने लेबर आर्स ले लिया, दोनों हो तो किसको बेस लेंगे, दोनों हो तो किसको बेस लेंगे, जिसका डोमिनेंस होगा। ज्यादा लेबर आवर्स होंगे तो ज्यादा लेबर आवर्स के बेसिस पर बांटेंगे, ज्यादा मशीन आवर्स होंगे तो मशीन आवर्स के बेसिस पर बांटेंगे, दोनों ज्यादा होंगे तो दोनों के वेट के हिसाब से बेस लेकर के चलेंगे, दोनों को इक्वली साथ लेकर के चलेंगे। अगर ये 7,000 घंटे हैं, ये 8,000 घंटे हैं, देखो ना इक्वली वेट है इसका, 6,000 घंटा, तो ऐड कर लो 15,000 घंटे इधर, 20,000 घंटे इधर, एक बेस लेना पड़ेगा ताकि गलत ना बट पाए, मेरी बात समझना, आया ना, तो बेस ले लेंगे, चले आगे। अरे बोलो ना, यानी कि हमने अभी तक क्या किया, एक लिस्ट बनाई, खर्चो 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 को लिखते चले गए, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वालों को, जिनको आसानी से नहीं बांट पा रहे थे, डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हो पा रहे थे। अब बिजली का खर्चा एक पेन पे कितना पता नहीं, नहीं ना, रेंट का एक यूनिट पर कितना खर्चा पता नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस का एक पेन पर खर्चा कितना, ऐसे लिस्ट बना ली पूरी खर्चों की, और टोटल लिस्ट मेरे सामने, अब इन खर्चों को दो पार्ट में बांटेंगे, वो जो आसानी से डिपार्टमेंट में बंट सकता है, दूसरा जो बट ही नहीं सकता, कॉमन है, एडवर्टीजमेंट है, कॉमन है, बात समझ में आई? तो जो बट सकता है उसको अलग करो और कोई बेस लेकर के तो उसके बांट दो, और जो बट सकता है जिसको बेस लेकर के बांट दो उसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एलोकेशन। और जिसके लिए बेस नहीं मिल पा रहा और बांटना पड़े तो उसको क्या कहते हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ वन। अब ठीक है, देखना इधर, ये डिपार्टमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने एलोकेशन किया, इस पर आया 20,000 रुपए, एलोकेशन करने पर इस पर आया 15,000 रुपए, इस पर आया 5,000 रुपए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी है, मेरे मुंह से जो वर्ड निकल रहा है ढंग से सुनना, ये अपॉर्शनमेंट किया मैंने, कोई बेस नहीं मिला तो कुछ तो लेकर के बांटेंगे, तो आज के बेसिस पर ही बांट दिया, मान लिया इस पर आया 6,000, इस पर आया 4,000, इस पर आया 5,000, 4,000, ठीक है ना, ऐसे करके ये बंट गया, टोटल मिलाकर आया 26,000, 19,000 एंड 9,000, टोटल मिलाकर मेरा खर्चा बट गया, बट गया, डिपार्टमेंट पर बटा है, किस पर बटा है, डिपार्टमेंट पर बटा, डिपार्टमेंट दो तरीके के हो सकते हैं,
कितने तरीके के हो सकते हैं, फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कितने तरीके के, एक हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, कौन सा डिपार्टमेंट, और हो सकता है सर्विस डिपार्टमेंट हो, उड़ी बाबा, अब ये क्या बला है? हेलो, हो सकता है खर्चे तो सब में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ए में भी जा रहा है, बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है, बांट दिया। सामान किसका बेचोगे, जो प्रोडक्शन करते हैं या उस डिपार्टमेंट का जो सबको बिजली सप्लाई कर रहा है? मेरी बात समझना, समझना समझना, मेरे पास फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट और है जो इन तीनों को बिजली देता है, क्या देता है? टोटल कितने डिपार्टमेंट, तीन प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट, तीन प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट, एक और डिपार्टमेंट है जो, सुनना, इन चारों को बेनिफिट देता है, उड़ी बाबा, चलो मान लेते हैं इन तीनों को देता है, वो कौन सा है? कैंटीन डिपार्टमेंट, नहीं उसका भी बंदा खाना खाने आएगा, ये इसके लेबर होते ही बैठे रहते हैं कि खाना बनाओ खाना खिलाओ, खाना बनाओ खाना खिलाओ, सर्विस डिपार्टमेंट है, मैं भी तो बोल रहा हूँ सर्विस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट, ऐसे कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं सर्विस, जिसको तुम बांट सकते हो, चार पांच है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। अभी तक मैंने क्या किया, बिजली ये भी खा रहा था, बिजली ये भी खा रहा था, बिजली ये भी खा रहा था, और बिजली बनाने वाला भी बिजली खा रहा था, और खाना खाने वाले भी बिजली खा रहे थे, तो हमने क्या किया, उस बिजली को सब में बांटा, पहले तो किसमें बांटा, सुनना ढंग से, नींद मत करो मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज मिलेगी नहीं दोबारा, ये दिमाग में बात बैठा लेना, इतना हम चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, अभी तो सो लोगे, फिर बाद में ही जागना पड़ेगा, और रो रो कर जागना पड़ेगा, हमको तो सब आता है, हमको तो और ढीले ढाले, समझ में आया नहीं आया, अच्छा ठीक है, हम तो ऐसे ही भगा सकते हैं, हमें इतनी एनर्जी लाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, चलें। बिजली डिपार्टमेंट वाला भी बिजली खा रहा है, और खाना खिलाने वाले लोग भी बिजली खा रहे हैं, और खाना खिलाने वाला इसको भी खाना खिला रहा है, इसको भी खाना खिला रहा है, इसको भी खाना खिला रहा है, बिजली बनाने वाले लोगों को भी खाना खिला रहा है, और खाना बनाने वाले लोगों को भी खाना खिला रहा है, उड़ी बाबा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग ये जो डिपार्टमेंट है सर्विस वाला, सुनना, दो तरह से बांट दिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस, जो सामान मार्केट में बिकेगा किसका बिकेगा, प्रोडक्शन वाले का या सर्विस वाले का, जो सामान बनाएगा उसी का सामान तो मार्केट में बिकेगा, ये तो बेचारा केवल सर्विस देते देते ही मर जाएगा, कभी इसका सामान बिकेगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट में सामान बेचने के लिए नहीं आया है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प करने के लिए है, बिजली बनाता है, बिजली देता है, लेकिन खुद भी बिजली खाता है, दूसरे लोग कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं, इसके लोग भी खाना खाते हैं, लेकिन इसका टोटल खर्च कितना आ गया, 9,000, ये 9,000 जो सर्विस डिपार्टमेंट पर खर्च आया है, बेसिकली ये खर्च इसका नहीं है, ये इसका खर्च है, मेरी बात समझना, क्योंकि इसका कोई भी सामान बिकेगा नहीं, सामान तो ए और बी का बिकेगा, किसका बिकेगा सामान, किसका बिकेगा, ए और बी का बिकेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का नहीं बिकने वाला, हाँ या ना, तो इसकी कॉस्ट को क्या करेगा, इसकी कॉस्ट को फिर इन दोनों में बांटो, इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो खर्चा है ये खर्चा भी प्रोडक्शन के लिए है, क्योंकि सामान तो ये बिकेगा, सर्विस वाला क्या बेचेगा, बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं बिकने वाला, अरे बोलो ना, तो उसकी कॉस्ट भी उसकी नहीं है, बल्कि ये कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जब इस कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर बांटेंगे कोई बेस लेकर के, उसको हम कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, मैंने क्या बोला, नाम बिल्कुल फैमिलियर हो जाओ,
मेरी बात समझ में आई? अब अगर हम कभी मुंह से बोले री अपॉर्शनमेंट तो तुरंत दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, वो वाली बत्ती भी जो सर्विस डिपार्टमेंट की, तुरंत दिमाग की बत्ती क्लिक करनी चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज कॉस्ट विच हैव बीन एलोकेटेड और अप्रोप्रिएटेड टू द सर्विस डिपार्टमेंट। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू री अप्रोप्रिएट द कॉस्ट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसकी कॉस्ट को जीरो करके वापस बांटना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ये कहलाता है री अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। इज इट क्लियर नाउ? नहीं, कहानी क्लियर है अब तक? फिर बोलो। मैं फिर से एक बार हल्का से समरी कर देता हूं। पहले पूरी लिस्ट बनाई, पूरी लिस्ट बनाई ओवरहेड्स की, लिस्ट बनकर तैयार, उनको दो पार्ट में बांटा, इनको बेस लेकर आसानी से बांट सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स में, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सर्विस डिपार्टमेंट हो, सबको बांट दिया। जो खर्चे नहीं बांट सकते उनको बांटने, जब बेस लेकर बांट सकते हैं तो उसको हम कहते हैं एलोकेशन। उसके बाद जो नहीं बांट सकते थे इजीली, उसको कोई बेस लेकर के बांट दिया, उसको हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट। अब जब खर्चे बट गए सारे डिपार्टमेंट में, तो अब हमने देखा अरे इसमें तो कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट तो सामान बेचते ही नहीं है, ये तो दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस देते हैं, किनको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इन सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पूरा उठाओ और फिर से बांटो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब बात समझ में आई? क्लियर है? हमारे पास ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट और डी डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। इधर देखना, जब रेंट मैंने बांटा, रेंट तो इसका भी तो रेंट लगा होगा, नहीं लगा होगा, तो मैंने देखा रेंट बांट दिया, मैंने एलोकेट कर दिया 20,000, 10,000, 8,000 और 12,000, इसको हम कहते हैं एलोकेशन। क्या कहते हैं? बेस लेकर के बांट दिया होगा पहला पार्ट, सब में एलोकेट कर दिया। दूसरा मान लो सुपरवाइजरी कॉस्ट, कोई ऐसा खर्चा है टी एंड रिफ्रेशमेंट मान लेते हैं, जो भी मान लेते हैं इसमें टी एंड रिफ्रेशमेंट, इसको हम अपॉर्शन करते हैं। क्या करते हैं? कोई बेस ले लिया आर्स वगैरह 2,000, 1,000, 1,500, 500, ये अपॉर्शन कर दिए। आया? अब इसकी जो टोटल कॉस्ट है, इसने सामान सेल किया प्रोडक्शन इन यूनिट्स, ए ने प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट्स का, कितने यूनिट्स का? इसने किया 8,000 यूनिट का, इसने किया 5,000 यूनिट का, इसने किया बाबा जी का टुल्लू, क्योंकि इसका काम है सर्विस देना। अब चाहे कैंटीन डिपार्टमेंट समझ लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी, इसका तो कोई सामान बिकेगा नहीं, बिकेगा केवल ए का, बी का और सी का, इना मीना डी का। हाँ या ना? की बात है। अब इस 12,500 का क्या करें? ये किस लिए हुआ है खर्चा? इन्हीं तीनों के लिए हुआ है। तो फिर से इसको बांटेंगे यहां पर, यहां पर और यहां पर, इसको हम कहते हैं री अपॉर्शनमेंट। क्या बोलते हैं? वही सीखना है, वही चीजें सीखना है, इसको जीरो करना पड़ेगा। आया? क्योंकि ये खर्चा किसके लिए हुआ है? ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, और बिकेगा सामान किसका? ए का, बी का और सी का। अरे समझ में आई बात? हाँ। 12,500 को हमने री अपॉर्शन किया तो हमें समझ में आया इसके ऊपर आ गया है 6,000, इसके ऊपर आ गया है 3,000 और इसके ऊपर आ गया 3,500, ये जीरो हो गया ना। हाँ यार, अब तुम लोग मैथड सीखोगे आने वाले समय में, री अपॉर्शनमेंट के मैथड सीखोगे, अलग अलग मैथड से। ये खत्म हो गया, बट गया, जीरो हो गया। अब देखो पूरा खर्चा मेरा डिपार्टमेंट पर आ गया। अब हम देख सकते हैं टोटल खर्चा, बताओ ए का कितना आया, इसका कितना आया? आया ना? ये टोटल खर्चा है रुपीज में, बट गया। बोलो
बता सकते हो एक यूनिट पर कितने का खर्च आया? नहीं, अगर 10,000 यूनिट्स बनी है, 28,000 रुपए लगा है, तो डिपार्टमेंट ए का खर्चा कितना है ओवरहेड का? ओवरहेड पर यूनिट, ओवरहेड। अब तक तो हम बांट नहीं पा रहे थे, बट गया कि नहीं बट गया पर यूनिट? हमारी सबसे बड़ी दिक्कत दूर हुई कि नहीं हुई? चाय का पैसा भी बट गया कि नहीं इसमें? रेंट का भी पैसा बट गया कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का पैसा बटा या नहीं? सारे पैसे बट गए, 2 रुपए 80 पैसे में सब आ गए, और डिपार्टमेंट के ऊपर 2 रुपए 80 पैसा सही सही गया। एक्यूरेट नहीं बोल सकते, लेकिन नियर टू एक्यूरेट है, कैलकुलेट तो किया गया है। बी का बता सकते हो? 1.75। और सी का? नहीं, आ गया आंसर, पर यूनिट बढ़ गया। आधा बताया है मैंने अभी, चिंता मत कर। बोलो, अब जो तुम लोग सीखने चाह रहे हो इसी में आगे, ये जो मैंने बताया, ये इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्या बोलते हैं? मैंने क्या नाम लिया? एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पता भी नहीं चला, एक और लाइन सीख ली, टेक्निकल वर्ड भी समझ में आ गया। एब्जॉर्ब करवाया खर्चों को पर यूनिट, पर आवर के बेसिस पर। यूनिट के बेसिस पर कर लिया, अभी समझने के लिए ठीक है, आवर के बेसिस पर भी कर सकते हैं। 1 घंटे में कितना रुपया लगता है, 1 घंटे में कितना मेरा खर्च होता है। मान लो ये खर्च हुआ है 10,000 यूनिट ना बनकर के, आवर्स में हम कहें ये 20,000 घंटे काम हुए थे ए में, बी में हमारे 10,000 घंटे काम हुए थे, और सी में हमारे 8,000 घंटे काम हुए थे। मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? चलो तो बताओ ओवरहेड पर आवर कितना लगा? सर 20,000 घंटों में 28,000 लगा, तो 1 घंटे में 1 रुपए 40 पैसा लगा। बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो कि नहीं? इसमें कितना लगा? 14,000, 1 रुपए 40 पैसा इसमें भी लग गया। 8,000 है तो कितना आ जाएगा? 1.6 कुछ भी आए, ये आ गया, ये एब्जॉर्प्शन है। यूनिट के बेसिस पर बांटो, आर्स के बेसिस पर बांटो, दैट इज अप टू यू, धीरे धीरे सीखोगे। ये एब्जॉर्ब करवाया 1 घंटा। अब देखो ना, मैं बिजली इसमें यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ? बिजली। क्या यूज कर रहा हूँ? यूज हो रही है। अगर 1 घंटा मैंने तुम लोग को पढ़ाया तो मेरा कितना रुपया लग गया? 1 रुपया 40 पैसा। 2 घंटा पढ़ाया तो कितना खर्च हो गया? 2 रुपया 80 पैसा। देखो आसानी से निकल सकता है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूं तो मेरा खर्चा जा रहा है। जैसे ही तुम लोग जाओगे मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगा, खर्चा लगेगा क्या? तो पर आवर जो काम हुआ उसके बेसिस पर बांट लिया। कुछ इंडस्ट्री आर के बेसिस पर काम करती है, कुछ इंडस्ट्री यूनिट्स के बेसिस पर काम करती है। जैसा इंडस्ट्री होगा वैसा बांटेंगे। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्या बोलते हैं? अब समझ में आ रहा है? पहले पूरी लिस्ट बनाई, एसरटेनमेंट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द ओवरहेड्स। After that, we divided the complete list into two parts. The first which can be allocated, the second which can be apportioned. First, we will allocate the expenditure over different departments. हाँ या ना? After that, we'll do the apportionment of overheads amongst the departments. जब एक बार apportionment और allocation हो जाएगा, now we will make the zero to the service department because the reapportionment of overhead will be done to the production department. हाँ या ना? हाँ या ना? रीअपॉर्शनमेंट हो गया, टोटल कॉस्ट पता चल गई, डिपार्टमेंट ए की कितनी, बी की कितनी, सी की कितनी, जो प्रोडक्शन करते हैं, टोटल कॉस्ट पता चल गई। डिवाइड कर लो जिसके ऊपर तुम लोग बांटना चाहते हो, एब्जॉर्ब कर लो जिसके ऊपर तुम लोग बांटना चाहते हो, जैसा तुम रिजल्ट चाहते हो, यूनिट बेसिस पर, लीटर बेसिस पर, आवर्स बेसिस पर, दैट इज अप टू यू। बात समझ में आई? अब इसका फायदा क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, अब हम डिसीजंस ले सकते हैं। जानते हो किस चीज का? जानते हो? मेरे पास एक आदमी आया, कहता है मेरे लिए 5,000 यूनिट बना दो। क्या बोलता है? मैं डायरेक्ट मटेरियल आराम से बता दूंगा, 6 रुपए लगा पर यूनिट। हाँ यार, तो टोटल तुमसे हम 30,000 रुपये लेंगे मटेरियल का, लेबर का लगेगा 3 रुपए, मैं कैलकुलेट करूंगा,
और ओवरहेड्स का, उड़ी बाबा आकर यहीं पर गाड़ी फंसी, वो इंडायरेक्ट कैसे बांटे? तो मैं देखूंगा 5,000 यूनिट्स को बनाने में मेरे 1,000 घंटे लगेंगे, कितने? और 1 घंटे का मुझे मालूम है 2 रुपए लगता है। नहीं समझे? कैसे पता चला था? ऊपर वाले हिसाब किताब से। हाँ या ना? हाँ या ना? ऊपर वाला जो बनाया था, 1 यूनिट पर कितना खर्चा लगा, 1 घंटे में कितना लगा, 2 रुपये आपका निकला, तो मान लेते हैं आपने 2 रुपये निकाला था, तो टोटल ओवरहेड कितना लग गया? 2,000। टोटल कितना हुआ? 47,000। हम अपना प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना? 3,000। हम सामने वाले से कितना मांगेंगे? मैं कहूंगा भैया 50,000 रुपये दे दो। अगर हम ये नहीं बांट पाते तो मेरे लिए कितना बड़ा सिरदर्दी था। नहीं समझे? हाँ है ना? अब हम सामने वाले से बोल सकते हैं मुझे इतना रुपया दे देना? बोलो, सोचो। अभी मैंने सामान बनाया नहीं। नाउ वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द अदर वन पर्सन। हाँ है ना? इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। क्या बोलते हैं इसको? हम नाम देते हैं रिकवरी रेट। क्या बोलते हैं? पहला नाम क्या बोला मैंने? इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन रेट। दूसरा नाम क्या बोला? रिकवरी रेट। नाम अलग अलग है, काम वही। अब जानते हो क्या हुआ एक्चुअल में? जब सामान बनाया, एक्चुअल में जब सामान बनकर के तैयार हुआ, तो हमें पता चला कि जैसे बांटा सब, ये तो पिछले साल का था, अब जब इस साल काम हुआ फिर खर्चों को बांटा, तो पता चला उड़ी बाबा 1 घंटे का ना 2,500 रुपये खर्चा होता है। कितना होता है? उड़ी बाबा इस साल 1 घंटे का कितना खर्च हुआ? लेकिन जब वो अभी सामान मांगने आया था तो मैंने 1 घंटे का कितना लिया था उससे? और जब साल के अंत में जब काम हो गया, सब काम साल खत्म हो गया, उस समय मैंने कैलकुलेट किया, तो पता क्या चला कितना लगा है 1 घंटे का? हमने सामने वाले से ज्यादा वसूला या कम वसूला? सामान तो बिक गया, कम वसूला ना? इसको हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। पूरी बाबा कितना रुपया तुम लोग बताओ तो जरा, कितना कम वसूला? 550 पैसा पर आवर कम वसूला, 1,000 घंटे का 500, इस आदमी से कम वसूला, तो आखिर मेरा प्रॉफिट ही तो अफेक्टेड हुआ 500 से। हाँ है ना? तो ये अंडर एब्जॉर्प्शन कहां से आएगा? कहां से रिकवर करोगे प्रॉफिट? कहां से रिकवर करोगे? क्योंकि सामान तो बिक चुका है। लेकिन हो सकता है जब 1 साल बाद कैलकुलेट करें तो ये 1.5 रुपया ही आया। ओहो, 1 घंटे का कितना वसूलना था? 1.5 रुपये। हाँ या ना? अब मैं दौड़ा दौड़ा जाऊंगा उस बंदे के पास, दरवाजा खट करूंगा, सुन सुन सुन, कहेगा क्या मैंने तुमसे 8 अठन्नी ज्यादा ले ली थी? ऐसे बोलूंगा क्या? ना तो पैसा दूंगा ना तो पैसा लूंगा, वो मेरा ही फायदा या घाटा? अगर मान लो 2.5 रुपये हो जाता, जाता मैं 1 साल बाद, सुनो 1 साल पहले तुम सामान खरीदने आए थे, मैंने तुमसे बराबर 50 पैसा कम लिया था, लाओ 500 रुपया और दो, वो दे देगा क्या? वो जाएगा अंदर, डंडा लाएगा और दौड़ा देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। मेरी बात समझना, वो मेरा प्रॉफिट, वो मेरा लॉस, अब उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। तो ये जो 50 पैसा हम ज्यादा वसूल लिए, 500 प्रॉफिट हो गया, हमने सोचा था 3,000 के, देखो ना 3,500 का प्रॉफिट हो गया। बात समझना, इसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। क्या कहते हैं? जब ज्यादा वसूल लेते हैं, रिकवरी रेट ज्यादा हो जाती है जो पास्ट में, उसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब कर लिया, कम वसूला था तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। बोलो प्रॉब्लम है? अब मेरे सामने रिजल्ट निकला, या तो वो होगा अंडर एब्जॉर्प्शन या तो होगा ओवर एब्जॉर्प्शन। कहानी है ना, देखो पूरी कहानी है कि नहीं? कहानी है कि नहीं? एक एक को पकड़ा, दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा पकड़ा, तीसरा, तीसरे को पकड़ा, चौथा, अपने आप आ रहा है कि नहीं? ये है ओवर एब्जॉर्प्शन। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करें? ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा भाई। तीन ट्रीटमेंट होते हैं, कितने? या तो प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट में ऐड कर लो, बांट दो, या पीएल अकाउंट में, आ आ आ आ आ आ कॉस्ट में, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनता है, कौन सा बनता है? या तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पहली बार सुन रहे होगे तुम लोग कॉस्टिंग पीएल, पीएल सुना था, पहली बार सुन रहे होगे कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग का अलग पीएल बनता है, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दो।
प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। बोलो, वसूल लिया ज्यादा तो प्रॉफिट, वसूल लिया कम तो लॉस। कॉस्टिंग पीएल में या तो जहां प्रोडक्ट और सर्विस है उसकी कॉस्ट में प्लस या माइनस करो। तीसरा ट्रीटमेंट होता है कैरी फॉरवर्ड करो, क्या करो, अगले साल, इस साल अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, हो सकता है अगले साल ओवर हो जाए, तो इसका प्लस इसका माइनस मिलकर के क्या हो जाए, डिफरेंस कम होता जाएगा, कभी प्लस कभी माइनस, कभी माइनस कभी, कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे, बात खत्म। कभी 2,000 बचा, कभी 1,000 बचा, कभी 5,000 बचा, कभी 3,000 बचा, ऐसे चलता रहेगा। बात समझ में आई? तीन ट्रीटमेंट है, अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। कितने? या तो कॉस्ट पर चार्ज कर लो प्रोडक्ट या सर्विस पर, या फिर पीएल में ट्रांसफर कर दो, या फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, दैट इज अप टू यू। पूरी कहानी खत्म। अब बात समझ में आई? ये जो पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी ओवरहेड को बांटने से लेकर के ये बांटने तक, इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ ओवरहेड। और विश्वास मानो, मैंने क्या बोला, 99%, मोर देन 90% बच्चे ये थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। ये चैप्टर टफ क्यों लगता है इस थ्योरी को ना पढ़ने के कारण? और जानते हो, जब मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि पूछा क्या है। अब तो तुम लोग को ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि पूछा क्या है। हम अगर कहें एलोकेट करो, अच्छा, बेस है एलोकेट कर दो। मैं कहूं अपोर्शन करो, अच्छा बेस लेना पड़ेगा किसी को, अपोर्शन कर देंगे। रीअपोर्शन करो, अच्छा सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करके बांटना है। अरे एब्जॉर्प्शन रेट निकालो, टोटल कॉस्ट निकल गई डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर देंगे या आवर्स कर देंगे, रेट पर आवर आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट निकल जाएगा। अरे ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन निकालो, एक्चुअल में इतना घंटा काम हुआ, इतना वसूला था, इतना वसूलना था, बाकी जो बचा अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। चलो ट्रीटमेंट बताओ ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर एब्जॉर्प्शन का। तीन ट्रीटमेंट होता है भाई, पूरा हो गया तुम्हारा। यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, यही क्वेश्चन ही बनते हैं जितनी मैंने पूरी कहानी बताई, नॉट मोर देन दैट। अरे बोलते क्यों भाई, समझ में आया? हम आज क्वेश्चन नहीं करवा रहे, ठीक है ना? इस कहानी को बिल्कुल दिमाग में उतार लेना, पहले करवाना तो चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले तुम लोग इस स्टोरी को बिल्कुल घर पे जाकर आत्मसात कर लो, ऑब्जर्व कर लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो स्टोरी की तरह। पहले पूरी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में सारे ओवरहेड लिख देंगे इनडायरेक्ट टाइप के, उनको दो पार्ट में बांटेंगे, किनको एलोकेट कर सकते हैं, किनको अपॉर्शन कर सकते हैं। एलोकेट वाले को इजीली बेस लेकर के एलोकेट कर देंगे, अपॉर्शन वाले को बेस कोई ना कोई लेना ही पड़ेगा मजबूरी में, जो जेन्युइन नहीं हो, मतलब एलोकेशन जिसका आसानी से बेस मिल जाता है, अपॉर्शनमेंट बेस लेना तो पड़ेगा, जिसका आसानी से बेस नहीं मिल पाया उसको बांट दिया, जो आया सर्विस डिपार्टमेंट को उसको जीरो करने के लिए रीअपॉर्शन करेंगे। अब हमारे हर प्रोडक्शन, हर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट पता चल गई, ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड कर देंगे आर से या यूनिट से, पता चल जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट या रिकवरी रेट। हाँ है ना, उस रिकवरी रेट को हम यूज करेंगे किसी को सामान बेचने वगैरह के लिए, ऑर्डर देने के लिए। बाद में देखेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया या अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, उस अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का ट्रीटमेंट तीन हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड करो, राइट ऑफ करो, या फिर प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्ट में ऐड कर दैट्स इट। और पूरा चैप्टर बस इन्हीं क्वेश्चंस पर है। सोचो हमें मालूम है अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे मेरे पास। देखो ये वो क्वेश्चन है शुरू वाला, देखो ये कहता है कि हमारा ये खर्चा हुआ, इसमें आपको अपोर्शन करना है कॉस्ट को, नहीं कर लोगे, नहीं कर लोगे, आया ना पक्की बात। ये देखो ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई, ए और बी दो सर्विस डिपार्टमेंट है, इनके खर्चों को रीअपॉर्शनमेंट करके सर्विस डिपार्टमेंट को जीरो करना है, नहीं समझे? अब इसी तरह के खर्चे क्वेश्चन आते रहेंगे, एलोकेट करना है, अपॉर्शन करना है, जीरो करना है, फलाना है, डिमांड है, सामने आता है। समझ में आया? नेक्स्ट सेशन में मिलें फिर। थैंक यू बच्चों।